जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों को स्कूल से वापस लेके आ रहा था, तो अभी यू टर्न ही लिया था मैंने मेन रोड से, तो एक लेफ्ट साइड से आते हुए एक डंपर था, छोटा सा मजदा कह लें आप, तो उसने राइट मुड़ना था और मैं लेफ्ट जा रहा था। दोनों की समझ लें कि मिस कैलकुलेशन थोड़ी सी हुई। जी भाई का आप एग्जिट का एंगल चेक करें। जी ये मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी का क्या नुकसान हुआ है। भाई ने माजरत की और कहा कि लोड ज़्यादा होने की वजह से उनसे ब्रेक नहीं लग सकी। तो गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह की है, बम्पर इसका थोड़ा सा उतर गया है और किट बिल्कुल ही उतर गई है साइड से। तो गाड़ी लग गई हमारी, तो अभी मैं सही करवाने जा रहा हूँ गाड़ी, तो आपके साथ शेयर करते हैं। जी ये सुल्तान भाई नुकसान का हिसाब लगाते हुए सुनते हैं ये क्या कहते हैं। जी तो खोलने का बम्पर काम शुरू हो गया है। अब ये भाई आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा बम्पर खोलेंगे। पहले इन्होंने किट उतारी, उसके बाद इन्होंने बम्पर के जितने भी नट बोल्ट्स थे सारे इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके उतारे और अब ये बम्पर इन्होंने उतार लिया। जी बम्पर उतरने के बाद गाड़ी का एक व्यू, ये भाई साहब इसका रिफ्लेक्टर उतार रहे हैं। उम्मीद है ये स्क्रैच जो है पेंट के ऊपर ही होगा और कंपाउंड करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये बम्पर को उसकी फिटिंग में बिठा रहे हैं सारा। अब यहाँ बड़े मज़े की बात, बम्पर सारा फिट करने के बाद याद आया कि रिफ्लेक्टर लाइट तो हमने लगाई नहीं, तो दोबारा बम्पर खोला और फिर दोबारा इंस्टॉल की। अब ये वापस जो है नट्स वगैरह और उसके पेज वगैरह सारे जो हैं ये वापस लगा दिए गए हैं। जी ये बम्पर हमारा लग चुका है और अब किट लगाने से पहले एक दफ़ा बम्पर की थोड़ी सी सफाई कर रहा है ये और ये साथ ही अब किट लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बम्पर से उतरने के बाद किट वापस लगने को तैयार नहीं थी और ये इसने हमें 5-6 मिनट काफ़ी खपाया। इसका कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा। अभी मैं काम करवा ही रहा था अपनी गाड़ी का तो एक और फॉर्चूनर आई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी गाड़ी तो इसके सामने कुछ भी नहीं लगी। गाड़ी जब रोड पर निकलती है तो लगती भी है, अल्लाह ताला हमें बड़े नुकसान से बचाए, आमीन। वापस चलते हैं अपनी किट की तरफ। किट हमारी ठहर नहीं रही थी तो भाई ने कहा कि आपको पेच लगानी पड़ेंगे, तो ना करते हुए मुझे पेच लगवाने पड़ गए, 2 से 3 पेच उन्होंने लगाए। माजरत कंपाउंड करते हुए की वीडियो में बना नहीं पाया और ये कंपाउंड के बाद देखें गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल पहले जैसी हो गई। 12 बजे के हम फंसे हुए थे वर्कशॉप पे और अब हम तकरीबन 4 बज रहे हैं और हमारा 4-5 घंटे लग गए और खजल खुआरी लैदा होगी, तो हम अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ़ करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।